हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जैन सिंह। आज जो हम टॉपिक देखने वाला है वो है मैन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो। ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है इन्वायरमेंट, जिसमें हम मेंस पेपर 3 जो है उसमें जो इन्वायरमेंट टॉपिक आता है उसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक हाउ टू अप्रोच का लेक्चर दे दिया है कि कैसे इस टॉपिक को हम अप्रोच करेंगे, जिसमें हमने देखा था सिलेबस के 3 टॉपिक थे, कंजर्वेशन के, पॉल्यूशन से रिलेटेड और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अभी जो हम देखने वाला जो कंजर्वेशन वाला टॉपिक है पहला वाला, उससे रिलेटेड चीज़ें, उसमें ये मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आएगा। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। आज इस लेक्चर का एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट के बाद कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है, क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, ठीक है। कॉज समझने के बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव समझने के बाद हम देखेंगे और अभी भी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ वे फॉरवर्ड देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेंस में चांस है इस टॉपिक के आने का, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि दो रीज़न है। एक तो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लोगों की, साथ ही साथ हम एनिमल को भी कंजर्व कर रहे हैं, तो जब हम एनिमल को कंजर्व कर रहे हैं तो एनिमल की भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये दो रीज़न जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्पेस एंड फूड के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा डीप में हम समझेंगे। आइए तो अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये देख सकते हैं ये सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट है। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में कुछ भी ओवरव्यू चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो हमारा जीएस क्लासरूम जो है उसमें जो आपका जीएस मेंस का टॉपिक है उसके अंदर आएगा, ठीक है। कोर्स की डिटेल आप यहाँ फर्दर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलेबस मैपिंग किया हुआ है, जिसमें मैंने सिलेबस मेंशन किया था, जो आपको बताया था कि जीएस 3 में हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन वाला, फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो टॉपिक है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो इसमें मेंशन है। पहला टॉपिक है तो इसमें मेंशन मैंने कर दिया कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तो आप यहाँ से लेके प्रैक्टिस कर लें, जब आपका खत्म हो जाएगा सारा सिलेबस तब, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो बट ऑब्वियस है, आप जानते हैं जब मैन और एनिमल आपस में मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके निगेटिव इंट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। क्योंकि जो एनिमल है वो एक वाइल्ड इंसान है और मैन उससे भी खतरनाक है, क्योंकि फिर वो चाहता है कि इस वाइल्ड इंसान को मारो काटो और बेचो और पैसा बनाओ, ठीक है। तो वो जो ह्यूमन में जो है ग्रीड वाला फैक्टर है ना, वो इस इंट्रैक्शन को काफ़ी निगेटिव कर देता है। तो इस वजह से इस निगेटिव इंट्रैक्शन से क्या होता है, कई बारी जो है जो हमारे स्पीसीज है एनिमल है उसके ऊपर भी मतलब निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। और कई बारी ये एनिमल जो है अपने प्रोटेक्शन में, ठीक है, और कई बारी प्रोटेक्शन में कई बार लोगों को डराने के लिए या कई बारी उसको फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, इन सब चीज़ों के लिए वो मैन और उसके लाइफ स्टॉक्स पे भी हमला करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो बेसिकली आप ये याद रखिए कीवर्ड क्या है कि जब भी कोई निगेटिव इंट्रैक्शन हो रहा है आपके वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन के बीच में, जिसमें किसी भी एक के सर्वाइवल को थ्रेट पहुँचता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे अगर हम रीजंस समझने की कोशिश करें तो कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ तो बहुत ऑब्वियस हैं, कुछ है जो आपको इन डीप एनालिसिस करके पता चलेगा। आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूँ जिसको आप लोग याद रखिएगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लोकसभा में पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग देखा गया था कि जो मैन और एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट का जो इंट्रैक्शन हुआ है उसके वजह से देखा गया है लगभग 2400, ठीक है, 2400 से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। तो ये डेथ का आप रेशियो देख रहे हैं कितना ज़्यादा, 2400, ठीक है। ये जो डेटा है वो लास्ट 5 साल का, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 5 साल में लगभग 2400 लोग मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मरे हैं। और उसी तरीके से अगर मैन और टाइगर का कॉन्फ्लिक्ट देखें तो मैन और टाइगर का कॉन्फ्लिक्ट लगभग 250 के आसपास है, तो आप इन दोनों को जोड़ लो तो लगभग आपके कितने हो रहे हैं, 2600-2700 के आसपास, 2600-2700 के आसपास लोग हैं जो 5 साल में सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मर गए हैं। और जो इनके लाइव स्टॉक का जो है, इनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो लॉस हुआ वो तो छोड़ दो, ठीक है, तो उनको हम काउंट नहीं करें। हम सिर्फ अगर डेथ को काउंट करें तो 2600-2700 लोग मरे हैं, एंड इट्स अ बिग नंबर। और यही रीज़न है कि इस टॉपिक को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। तो पहला जो कॉज देखेंगे वो तो आप लोग को बहुत क्वाइट ऑब्वियस है,
कि जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो काफ़ी दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो जंगल वाला फॉरेस्ट वाला स्पेस है उसको क्लियर करके, फॉरेस्ट को क्लियर करके हम वहाँ पर रहना चालू कर दिए हैं। और जब हम किसी एनिमल के एरिया में एंटर करेंगे तो ऑब्वियस है हमारे बीच में, उसका बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप खुद ह्यूमंस ह्यूमंस में देख लो, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के टेरिटरी में एंट्री करती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिमिलरली जब आप एनिमल है उसकी भी एक टेरिटरी है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस लोकेशन पे भी आके फूड ले रहा है, ठीक है, इस लोकेशन में भी बहुत सारी चीज़ों को, इकोसिस्टम सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। अब आप उसके में हिंड्रेंस डालेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना होना ही है। तो ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो एक रीज़न हुआ। सिमिलरली जो अर्बनाइजेशन हमारा फैलता जा रहा है, तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे फैल रहा है तो बहुत सारे आप देखते हैं कि वही लैंड फॉरेस्ट एरिया को आप क्लियर करके सिटी का एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, जो ग्रीन कॉरिडोर्स, जो ग्रीन बेल्ट रीजन होता है बेसिकली, उसको आप एक्सपेंड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं स्पेस और फूड से रिलेटेड। सिमिलरली और भी देखेंगे तो कई जो हमारे जानवर हैं, ठीक है, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये तो जो है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन इनडायरेक्टली हम देखें तो क्या होता है, आप किसी जंगल में जाते हो, ठीक है, जंगल के जो है पेड़ को आप काट देते हो। क्यों काट देते हो पेड़ को? क्यों? क्योंकि आपको वुड बेच के पैसा मिलेगा, ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए आप काट देते हो। और उससे क्या हुआ, जो हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट है, उसका लॉस हो गया। जब नेचुरल हैबिटाट का लॉस होगा तो वो क्या करेगा, वो एनिमल किसी और लोकेशन को जाएगा, देखेगा, ठीक है, वहाँ पे जो है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने इकोसिस्टम सर्विसेज की जो उसकी नीड्स, उसको पूरा करने के लिए वो जाएगा, उन लोकेशन को एक्सप्लोर करेगा, और फिर क्या होगा, वही कॉन्फ्लिक्ट होगा। सिमिलरली ऐसे आप फ्रेगमेंट कर दे रहे हो पूरा जंगल, उसमें छोटी छोटी जहाँ पे आप वो कर दे रहे हो, एक एक मिनट मैं ये डायग्राम बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। आप ये समझ लो, ठीक है, ये आपका जंगल था, जंगल के बीच में आपने रोड बना दिया, जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि रोड बन जा रहा है फ्रेगमेंटेशन। तो आपने क्या किया, फॉरेस्ट को दो हिस्से में तोड़ दिया। अब ये जो एनिमल था जिसको आदत थी इस लोकेशन पे भी जाके अपनी नीड्स को पूरा करने की, या फिर मे बी वो पानी के लिए इस लोकेशन पे जाता हो, या फूड्स के लिए जाता हो, या किसी भी वजह से जाता हो, मे बी उसके फैमिली मेम्बर्स रहते हो जिनसे वो ट्रैक करने जाता हो, ठीक है, क्यों एनिमल के भी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो वो क्या हो रहा है, इस रोड वाले लोकेशन से क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो अब रोड वाले लोकेशन से क्रॉस करते हुए जा रहा है तो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, या फिर यहाँ कुछ लोग, मतलब जो भी शॉप वॉप लोग बना रखे, या कोई भी रीज़न हुआ है, तो क्या होगा, इनके बीच में एक इंट्रैक्शन होगा, एक नेगेटिव इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। गाड़ी से जा रहा है तो कई बार आप लोग देखे होंगे कि जो है सड़क पे बहुत सारे जानवर आपको मरे हुए मिलते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रोड एक्सीडेंट्स होता है कई बार, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप समझ लो, कोई बड़ा जानवर है उससे आपकी गाड़ी लड़ रही है, टक्कर खा रही है, तो उससे क्या होगा, आपकी ही गाड़ी को ज़्यादा नुकसान होगा और आप ही के लिए ज़्यादा सर्वाइवल के लिए इशू बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही के लिए लगभग वही है। तो ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी रीज़न है, और फ्रेगमेंटेशन का जो मेन रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। साथ ही साथ जो है आप जो प्रे का बेस है वो भी रिड्यूस कर दे रहे हो, क्योंकि आप उतना लोकेशन साफ कर दिए। तो जब इतना लोकेशन आपने साफ कर दिया, यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो प्रे, मतलब प्रे जो प्रेडेटर है, वो अपने फूड के लिए कहाँ जाएगा, दूसरे लोकेशन को सर्च मारेगा ही मारेगा, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो भी रोड और रेल नेटवर्क्स आप एक्सपैंड कर रहे हो उसके वजह से बहुत सारे जो है एनिमल होते हैं जो डेली बेसिस पे किल किया हो जाते हैं, ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं करता, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गलती से। लाइव स्टॉक ग्रेजिंग भी एक इशू है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो है जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो फूड और पेस्चर के लिए जो है जाते हैं जंगलों के आसपास के जो है लोकेशंस को, जैसे आप यहाँ पर मान लो घर बनाए हुए हो, ठीक है, और इस लोकेशन पे जो है आपका ग्रेजिंग के लिए एनिमल जा रहा है, तो क्या होगा, कोई टाइगर आएगा, इसको लेके जाएगा अपने घर, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि आपके जो लाइव स्टॉक है, जो एक फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है, उसका उसके सोर्स ऑफ इनकम ही का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली उसके लाइफ पे थ्रेट नहीं पड़ रहा, बट उसका सोर्स ऑफ इनकम ही हो गया, और एक गरीब किसान के लिए, ठीक है, या कोई भी ट्राइबल पीपल, उसके लिए उसका लाइव स्टॉक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। सिमिलरली एक जो नई प्रॉब्लम इमर्ज होते हुए आ रही है, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे कि हम देखेंगे कि जो कुछ पॉपुलेशन थी मेन जानवर की जो कम हो रही थी, आज वो बहुत अच्छा रिकवरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप टाइगर की पॉपुलेशन देखेंगे, कभी टाइगर की पॉपुलेशन जो अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट आया उससे पहले देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ एक्ट से पहले अगर आप टाइगर की पॉपुलेशन देखेंगे तो लगभग 1800 था, और वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद अभी आपका लगभग पॉपुलेशन टाइगर का 2400 के अराउंड लमसम में है,
आई मेरे को एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं, 24 या 2500 के आसपास है, ठीक है। सिमिलरली आप राइनोसोरस को देखेंगे तो आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था उससे पहले राइनोसोरस सिर्फ आपको 75 से 80 के अराउंड थे, ठीक है। आज करंट आप नंबर देखेंगे तो राइनोसोरस लगभग 3500 के अराउंड है, तो इट्स अ बिग जंप, ठीक है। अब ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जो अभी तक नहीं थी और अब अचानक आ गई, तो वो भी तो स्पेस डिमांड करेगी, ठीक है। अब जब वो स्पेस डिमांड करेगी तो वो कहाँ जाएगी, जिन एरिया पे आपने एक्सपेंशन करके जो है कवर कर रखा है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट होना है ही, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे ब्लैक बक की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नील गाय की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये ह्यूमन एरिया के आसपास रहती है, तो ह्यूमन एरिया में एंट्री करेगी उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वो नुकसान करेगा। और नील गाय और ब्लैक बक का अच्छा खासा अटैक आप डेली जानते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, तो देखे होंगे सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अधिकतर होता रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपका ब्लैक बक का एरिया है, ठीक है। और नीलगाय का भी आप देखे होंगे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें लोग पर्पसफुली नीलगाय को मारने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके प्रोड्यूस को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे आप देखें कुछ अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस भी हमारे यहाँ होती हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, जिसके वजह से क्या होता है कि मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, एनिमल्स को ट्रांसलोकेट करती है, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रांसलोकेट करके किसी और लोकेशन में भेजते हैं। अब ये जो नया लोकेशन है उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ है, अब वो क्या करेगा, अपने प्रे के लिए, अपने फूड के सर्च के लिए, पानी के सर्च के लिए इधर उधर घूमेगा, ठीक है। अब जब इधर उधर घूमेगा तो ऑब्वियस बात है लोग जो वहाँ रहते हैं, लोगों की जो बस्ती है वहाँ, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है, जिसके वजह से मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आप देखेंगे। अब क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे कि जो है जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, कई जहां ड्रॉट नहीं आता था ड्रॉट आने लगा है, सूखा पड़ने लगा, कई जहां बाढ़ आने लगा है, तो ये जो चेंजेस होने लगे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशंस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, वो क्या करता है एनिमल को मूव करने के लिए एम्फसाइज करता है कि वो जाए नए लोकेशंस को ढूंढे, अपने नए रीजन को ढूंढे, अपने नए नीशे को ढूंढे। तो अब क्या होगा, वही सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ नेक्स्ट एक और चीज़ है कि हम देखेंगे जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, हमने कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दिए हैं, अगर 1971 की बात देखें तो लगभग अभी 110 या 108 नेशनल पार्क्स आपके हो गए हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया आपने बना तो दिया, लेकिन स्टिल हम देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो एनिमल की है वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ही है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो लगभग आपका 29% टाइगर, ठीक है, आपके अभी भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसके बाहर, या फॉरेस्ट जो आपके प्रोटेक्टेड हो गए जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इनके बाहर अभी भी 29% टाइगर रहते हैं। अभी जो है 29% टाइगर के पॉपुलेशन को अभी आप प्रोटेक्टेड नहीं रखे तो इंट्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन जा सकता है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा ही होगा और नेगेटिव आउटकम मिलेगा आपको। तो ये कुछ कॉजेस थे हमने देखा, एक भाई क्विकली फिर से देखते हैं कॉजेस क्या था। एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है जिसके वजह से वो आ रहे हैं। नेक्स्ट था एक्सीडेंटल डेथ हो रहा था फ्रेगमेंटेशन की वजह से, लाइव स्टॉक को भी नुकसान पहुंच रहा है, इनकी जानवरों की खुद जो घटती पॉपुलेशन थी अब बढ़ने लगी है, ठीक है। बहुत सारा अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस करते हैं लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट है, जो गवर्नमेंट ट्रांसलोकेशंस कर रही है, जो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और साथ में बहुत ज़्यादा हमारे जो लिमिटेड प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाहर बहुत पॉपुलेशन रहती है जिनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब कुछ हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि तो हमारा जो जानवर होता है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही के ऊपर जो है बहुत सारी इंजरीज होती हैं, ठीक है, उनके कई भाई जीवन को भी खतरा होता है, तो लॉस ऑफ लाइफ भी रहता है। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे क्रॉप डैमेजेस, ठीक, लाइफ स्टॉक डिप्रेशन, मतलब ये सब सिंपल चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी, ठीक है। कई बार फिर इंसान भी जाता है अपना बदला लेता है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन करता है उनके हैबिटेट का, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो घटने का चांस हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए। तो ये देखो जो आपका मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड जो ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क है किसके अंदर आएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और उस लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस कई सारी इशू करती रहती है टाइम टू टाइम कि कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है, कैसे किस चीज़ों को करना है। रिसेंटली देखें जो हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है जो 2007 से 2031 तक है, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसके थ्रू काफ़ी सारी प्रोसीजर्स को लाने की कोशिश की गई कि ये जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है
उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इसमें नेशनल, रीजनल और स्टेट, मतलब आप देख रहे हो ना नेशनल लेवल, फिर उसके नीचे आपका रीजनल और स्टेट लेवल बेसिस पे ऐसे आएगा, आपका स्टेट और फिर नेशनल, स्टेट और रीजनल, ठीक है, छोटे छोटे रीजन्स पे। ठीक है, इस लेवल पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रहा है जिसमें हम जो भी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनका डाटाबेस मेंटेन करेंगे। तो अगर आपने डाटा बेस मेंटेन करके एक हॉट मैप तैयार कर लिया कि भाई ये इंडिया का लोकेशन है, तो अगर ये इंडिया की लोकेशन आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको क्या है, आपको पहले ही पता चलेगा कि यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप प्रिपेडनेस अपने आप बेटर कर सकते हो। तो वही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि आप हॉट रीजन्स को, हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर सको। फिर वही है जो है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को साइंटिफिकली कैसे मैनेज किया जाए, अभी चीज़ें काफ़ी रैंडम तरीके से चलती हैं, तो वो उन सारी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है जो रीजन स्पेसिफिक हैं और स्पीसीज स्पेसिफिक, क्योंकि टाइगर को दूसरे टाइप की चीज़ें चाहिए, एलिफेंट को दूसरे टाइप की चीज़ें चाहिए, और जो है जो हमारा राइनोसोरस हैं और डिफरेंट एनिमल, उनको हर स्पीसीज को अलग तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए रीजन और स्पीसीज इफेक्टिव आपको मिटिगेशन प्लान बनाना पड़ेगा। सिमिलरली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो जरूरी है, जब तक लोकल लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप समझ लो कोई भी प्लान आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, और जो है जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, उसके अंदर जो है कई सारे शेड्यूल्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसमें एक शेड्यूल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वर्मिन डिक्लेयर करेंगे तो क्या हो सकता है, इसका क्लियर आप कर सकते हो अगर वो आपको थ्रेट पहुंचा रहा है आपके मतलब आपके प्रोड्यूस को, या किसी भी तरीके से आपको लॉस पहुंचा रहा है, तो आप उसकी किलिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आप देखे होंगे हिमाचल प्रदेश में मंकी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मतलब निगेटिव इफेक्ट है, जिस वजह से मंकी को जो है वर्मिंग के अंदर डिक्लेयर किया गया है, और अब इसके किलिंग पे आपको कोई भी जो वाइल्ड लाइफ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पकड़े ही नहीं, या कोई भी आपको जेल या कोई भी सजा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब वो वर्मिन डिक्लेयर कर गया है। ऐसे हम देखेंगे नील गाय और जो वाइल्ड बोर होते हैं उनको बिहार वाले लोकेशन में भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो उनके पॉपुलेशन को। साथ ही साथ कई सारे स्टेरलाइजेशन ड्राइव भी चलाए जा रहे हैं कि उनके पॉपुलेशन मतलब स्टेरलाइज कर दिया जाएगा, तो पॉपुलेशन की जो बढ़ती ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने भी कई सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताए हैं कि किस तरीके से ह्यूमन और टाइगर का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो जो रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं वो अपनी अपनी नोटिफिकेशन, अपने अपने गाइडलाइंस देते रहते हैं कि कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है। जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी कई बार रिकमेंडेशन किया है गवर्नमेंट को, उसने भी बोला जो भी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, उनको इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर करो। एलिफेंट कॉरिडोर क्या, मैंने बताया था ना कि ये जो है मान लो एक दो फॉरेस्ट का रीज़न था और एलिफेंट को यहाँ से यहाँ मूव करने की चाहिए थी, मतलब आना जाने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, अपने जो है डेली नीड्स को या फिर जो भी सीजनल नीड्स है उनको फुलफिल करने के। लेकिन अगर आपने बीच में अगर रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो मतलब जो ये एलिमेंट का कॉरिडोर था जिसमें वो मूव करता था, आपने क्या किया वहाँ पर इंटरफेयर कर दिया। ठीक है, तो यही है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही जो ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कि एक जहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उनको ट्रांसलोकेट कर दो कि यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाए और यहाँ पे पॉपुलेशन जहाँ कम है वहाँ थोड़ी सी इंप्रूव हो। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया था ना रीजन स्पेसिफिक अप्रोच लेना चाहिए। तो हमने एक स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें ये देखा गया था कि जो है ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर लैंडस्केप लेवल अप्रोच को फॉलो करें। ठीक है, ये एफओ ने भी इसको रिकमेंड किया था, अप्रूवल दिया था कि हाँ ये अप्रोच काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने ये देखा गया था कि जो एलिफेंट है वो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाना बहुत पसंद करता है। ठीक है, जैसे भी हमारे जो मोनोकल्चर क्रॉप्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आप एक ही चीज़ को उगा रहे हो बार बार वाला टाइप मोनोकल्चर, जैसे आपके कॉफ़ी के प्लांटेशंस हो गए एक एग्जांपल में आप ये समझ लो, तो क्या होता है एलिफेंट्स को वहाँ जाना पसंद होता है सीजनली। ठीक है, अब क्या कर रहे हो कि आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, अपने जैसे फॉरेस्ट जहाँ पे रहता है एलिफेंट, अगर उस फॉरेस्ट की लोकेशन को चेंज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, उसका एक हैबिटेट आपने हटा दिया तो वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा दूसरे हैबिटेट को, तो अब दूसरा हैबिटेट क्या होगा, जो है जो ह्यूमन सेटल्ड हैबिटेट है उसमें वो जाएगा और उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, उसका ह्यूमन के ऊपर, क्योंकि उसका क्रॉप खराब हो गया। तो वही है, हमको ये समझना पड़ेगा कि किस जानवर को कैसी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हमको चीज़ें करनी पड़ेगी, तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो वही है साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। तो ये सारी गवर्नमेंट अप्रोच ली है करने के लिए, अभी भी हम देखते हैं और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है।
तो अगर और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है उसमें देखें तो जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके मैनेजमेंट के लिए हमको थोड़ा सा इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया तो आपने बोल दिया ये आपका नेशनल पार्क है इसके अंदर मत जाओ, लेकिन इसका जो बफर एरिया है वहाँ पर तो एनिमल और जो है ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो इसका भी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। फिर जो है आपका 24/7 आपको मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, कॉरिडोर जो होते हैं एनिमल के मूव करने के उसको करना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करके आपको एक कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बात भी हो रही है कि आप ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश करो जिसमें इस चीज़ को प्रॉपरली स्टडी किया जाएगा कि कैसे इन चीज़ों को हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते। तो ये हो गया, उसके साथ साथ और भी कई सारे अल्टरनेटिव और अनकन्वेंशनल जो अभी तक यूज़ नहीं करते हैं वो अनकन्वेंशनल फियर क्रिएट करने के लिए बैरियर्स डेवलप करो, जैसे कि कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव शॉट वाले गन लाए गए जिसमें आप इंजेक्शन मार सकते हो एनिमल के अंदर और वो क्या होगा उस इंजेक्शन के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाएगा। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाएगा तो जो आप स्टेरलाइजेशन करना चाहते हो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वो कर सकते हो। साथ ही साथ अफ्रीका में ये देखा गया था कि जो है अगर आप जो आपका फार्म स्पेस है वहाँ पे अगर चिली प्लांट्स लगाओ, ठीक है, तो जो है एनिमल को क्या करता है वो रिपील करता है, भगा देता है। क्यों? क्योंकि वो आएगा क्रॉप खाने तो सबसे पहले मिर्ची खाएगा, मिर्ची खाएगा तो उसको तीखा लगेगा, तीखा लगेगा तो वो कहेगा यार ये जो पूरा प्लांटेशन हो रखा है ना ये यही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर आगे फर्दर नहीं मूव करेगा। तो आप चिली प्लांट को एज अ फेंस यूज़ कर सकते हो, अपना जो मेन क्रॉप है मान लो अगर ये आपका मेन क्रॉप है लोकेशन में लगाए हो तो यहाँ पर आप चिली प्लांट का फेंस लगा दो, वो यहीं पर खा के उसको लगेगा यार सब ऐसे ही है तो वो चला जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो लाइव स्टॉक हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए हम बेटर फेंस लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। साथ ही साथ ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि जो हमारी इंडिजीनियस ट्रेडिशनल नॉलेज है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको हम जब समझेंगे तो बेफालतू हम जो नए अप्रोच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर जब हमारे पास इंडिजीनियस अप्रोच है जो वहाँ पर लोकली काम कर रखी है तो उसको यूज़ करो ना, क्यों आप हर बाई नया रिसर्च करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें थी। साथ ही साथ जो है जो क्रॉप का लॉस हो जा रहा है तो उसके लिए हमको फार्मर्स को एक प्रॉपर इंश्योरेंस स्कीम भी अवेलेबल करानी पड़ेगी क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके एक सीज़न के लिए चीज़ों को किया और अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ की वजह से उसका वो प्रोड्यूस ख़राब हो जाता है तो ऑब्वियस बात है उसको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस होगा, जिस वजह से हम देखते हैं हमारे फार्मर्स मतलब डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये भी आपको प्रोवाइड करना जरूरी है, सिर्फ सब कुछ आपको एनिमल के एंगल से नहीं कुछ ह्यूमन एंगल से भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर्स का और उसके एरिया का फॉरेस्ट का ये सब हमको रोकना पड़ेगा। कई सारे इको ब्रिज बनाने पड़ेंगे, इको ब्रिज मतलब वो ब्रिज मतलब वो मतलब जो आपका कॉरिडोर है वो आपका ऐसा रहेगा जो फ्रेंडली रहे किसके लिए एनिमल के लिए, उसको लगे कि हाँ वो अपने फॉरेस्ट वाले लोकेशन ही पे मूव कर रहा है, ठीक है, कहीं वो ह्यूमन एरिया में नहीं आया, क्यों क्योंकि जानवर को भी तो डर लगता है ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हुए। और साथ ही साथ जो भी हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है जब हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि जो है जो एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट होगा उस पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों क्योंकि आपके अधिकतर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं आप किसी जंगल में जाके डेवलपमेंट कर रहे हो, तो किसी जंगल में जाके आप वहाँ पे माइनिंग कर रहे हो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो वो क्या होगा जो एनिमल आता है उससे कहीं ना कहीं तो इंट्रैक्शन होगा ही, तो इस चीज़ को भी स्टडी इस एंगल को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखिए कि ये जितने भी हमने कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए मेजर्स बताए ये सारी कहीं ना कहीं जो है लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, हम लोग को मोटिवेट करिए और जो भी अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप लोग बताइए। एक भाई बस मैं एक क्विक ओवरव्यू आप लोगों को करा दूं, तो हमने देखा क्या क्या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कॉजेज क्या थे उसके पीछे, ठीक है, उसके बाद हमने इफेक्ट देखा कि किस तरीके से एनिमल को लॉस हो रहा है किस तरीके से मैन को लॉस हो रहा है, फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इस अभी रिसेंटली स्टेप्स लिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और फाइनली हम वे फॉरवर्ड देखे कि और हम क्या कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये वाला जो इफेक्ट वाला चीज़ था आप ये देखो, ये जो इफेक्ट वाला चीज़ था छोटा सा चीज़ था, इसको आप डायग्राम बना के ऐसे इफेक्ट दिखा सकते हो कि ये नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा मेंस के अपने आंसर राइटिंग में जो डायग्राम वाली बात करते हैं ना वो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जैसे हमने सिंपल सा एक चीज़ देखा तो उसको आप लाइन में लिखने के यहाँ इस तरीके से डायग्राम में बना लो। चलो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।